पौड़ी जिले के सतपुली बाजार में बीते दिन कुछ दुकानों में अज्ञात कारणों के चलते अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से लगभग एक दर्जन दुकानों को भारी नुकसान हुआ। इसके तहत ही जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान द्वारा सतपुली मार्केट का स्थलीय निरीक्षण कर प्रभावितों से मुलाकात की गई। साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अग्नि से हुए नुकसान का प्रॉपर आकलन करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष आपदा प्रबंधन मद से प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाई जाए। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी, फायर पुलिस, विद्युत विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देशित किया कि फायर स्टेशन स्थापना के लिए DPR बनाए जाएं और इस संबंध में जो भी कार्यवाही की जानी है समय से पूर्ण करें। पौड़ी से संवाददाता राजेंद्र खंतवा। जैसे ही सूचना मिली थी तो हमारा पुलिस का और प्रशासनिक अमला जो है उसने इस पे काम किया और ईश्वर की कृपा से कोई जनहानि की सूचना नहीं। लगभग 12 दुकानें और पुलिस चौकी का कुछ हिस्सा हमारा क्षतिग्रस्त हुआ है और जो दुकानें पूर्णतया नष्ट हो चुकी हैं। तो इस संबंध में SDM को ये निर्देश दिए गए कि ऑनरेबल CM सर के विवेकाधीन कोष से फंड्स के लिए प्रपोजल भी भेज रहे हैं और इनकी जो भी यथासंभव मदद की जाए करने का प्रयास।